गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. सी इन दिस वीडियो लेक्चर वील सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन. ठीक है, इनिशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं. सी द क्वेश्चन, इफ जेड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, शो डेट डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स डेल वाई. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन एक्सप्रेशन है, देखिए z ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो शो करना है, व्हाट दिस इंडिकेट्स दैट डेल जेड बाय डेल एक्स, मतलब z डिपेंडेंट वेरिएबल x इनडिपेंडेंट वेरिएबल, डेल जेड बाय डेल वाई जेड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इनडिपेंडेंट वेरिएबल. सो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एंड एक्स एंड वाई इज अवर इनडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इस एक्सप्रेशन को हम लोग जेड इज इक्वल टू करके लिख लेंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई. ये पूरा इनडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. अब ये हमको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे. फॉर डेट हमको इक्वेशन नंबर 1 जो हमने दिए है उसको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने से ये हमें मिल जाएगा डेल जेड बाय डेल एक्स, और इसी एक्सप्रेशन को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करने से हमें मिल जाएगा डेल जेड बाय डेल वाई. अब आपको इसको कैलकुलेशन को देखना है कि कैसे हमने फाइंड आउट की है. ठीक है, अब डेल पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी एक्स का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक्स का फंक्शन है, तो आपको क्वोशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. क्वोशन रूल में क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, एक्स प्लस वाई एज इट इज रह गए हो गए एक ब्रैकेट में. अब इस न्यूमरेटर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जैसे कि हमने बताया है वाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर है उसका टू एक्स हो गया. ठीक है, फिर क्वेश्चन रूल में आता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने माइनस. ठीक है, अब माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, ये न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. तो यहां पे भी सेम वाई कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन वन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. क्वेश्चन रूल जैसा हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में करते हैं बस वैसा ही रहेगा, सेम रूल्स आर सेम, बस आपको जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, जो भी आपको ट्रीट करना है. तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. ठीक है, आप जैसा उसको देखना चाहे देख लीजिए. ठीक है, ये याद रखना है आपको, यहाँ हम पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई इज ट्रीटेड लाइक वाई वी हैव टू कीप लाइक कांस्टेंट. ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये दोनों को इसका कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन इज अप टू यू. तो हमने इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 2x² बना प्लस 2xy. ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस x² माइनस y² अपॉन, ये कॉपी पेस्ट, ये माइनस x² इसके साथ बन गया x², और ये बाकी दोनों टर्म हमने कॉपी कर लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. चलिए अभी हम लोग देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सेम इक्वेशन नंबर 1 का. तो डेल z बाय डेल y लिखेंगे. ठीक है, यहां पे अब हमारा x कांस्टेंट होगा, तो जब हमें न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लेना पड़े, मैं पहले ही बता दे रही हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा, जब हम y ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो इसका 0 आएगा और इसका आएगा 2y. ठीक है, और जब हम कहीं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लेंगे तो इसका 0 आएगा और इसका 1 आएगा. चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज 2y माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड द डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन इज 1 एज आई टोल्ड यू, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. जैसे हमने यहां कैलकुलेशन किए बस वही करेंगे, 2y से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2y इंटू x इज 2xy एंड दिस इज 2y का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस x² माइनस y², ये देख रहे हैं आप, और ये कॉपी पेस्ट. अब यहाँ पे ये दोनों का कैलकुलेशन बनेगा, बाकी चीजें कॉपी पेस्ट होंगी, तो ये दोनों का कैलकुलेशन बनेगा y², आप देख रहे होंगे 2y² माइनस y² इज y², ये कॉपी और ये भी कॉपी कर लिए हमने, और ये दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 3. अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे.
एक बार हम लोग राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे. इफ द राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द एक्सप्रेशन आर सेम, वी कैन से द लेफ्ट हैंड साइड आर सेम. यू नो दिस थिंग. ठीक है, तो हमने इसका इसको कंसिडर करे, आप देख रहे होंगे ये वाले एक्सप्रेशन को हमने कंसिडर किए है. तो आपको हमको इक्वेशन नंबर 2 और 3 से यहाँ पे वैल्यू, हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, सिंस फ्रॉम 2 एक्सप्रेशन एंड 3 एक्सप्रेशन लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं कि हमने 2 और 3 से वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया है. आप चाहे तो कॉपी कर ली, देख लीजिए 2, ये 2 एक्सप्रेशन में है, ये 3 एक्सप्रेशन में. आप देखिए ये यहाँ से हमने कॉपी किए है और ये यहाँ से कॉपी किए है, और ये जो स्क्वायर है ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट होके उसको स्क्वायरिंग कर दिए. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा भी कॉपी पेस्ट होगा ये वाला स्क्वायर, और ये अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 2xy एंड 2xy गेट कैंसल, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज माइनस 2y स्क्वायर एंड दिस 2 गेट कैंसल. ये है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिए है. ठीक है, नाउ विल डू द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस. ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ. ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं और पीछे आपको बताएंगे. ठीक है, ये देखिए डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये देख सकते हैं आप, और इसका भी होल स्क्वायर. ये हम पीछे आपको बताते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमने 2 को बाहर ले लेंगे अगले में, तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर निकलेगा. ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंदर ही रहेगा ये सब. ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. 1x + y गेट कैंसल, सो दिस इज 4, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर. अब आप सबको पावर दे दो, न्यूमरेटर को भी पावर दे दो, 1x + y कैंसल हो गया तो ये x + y बचा है, लेकिन इसको भी इसकी पावर देना पड़ेगा, तो ये x + y का होल स्क्वायर. 1x + y कैंसल हो गया, x - y अपॉन x + y बच रहा है, तो दोनों को उसकी पावर देंगे तो x - y का होल स्क्वायर x + y का होल स्क्वायर बचेगा. ये है आपका डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर. ये आपका नेक्स्ट पेज पे हम बताएंगे, ये आपका Roman 1 रहेगा. ठीक है, सबसे पहले आप इतना पूरा कॉपी क्वेश्चन लिख के ये पूरा कॉपी कर लीजिए. ठीक है, चलिए हम पेज सेकंड पेज पे बताते हैं. देखिए बेटा, ये है आपका Roman 1 जिसे कि हमने बताए थे, ये आगे हमारा Roman 1. ठीक है, अब हमारा ये हमारा राइट हैंड साइड है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन है डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई, ऐसा. तो अब हम ये कंसिडर करेंगे, आप देख रहे होंगे, तो देखिए 4 को कॉपी किए है, 1 को भी कॉपी किए, माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू देखिए. देखो एक बार, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है. आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 2 एंड 3, ऐसा करके आप लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए अभी हम देखिए इसका एलसीएम लेंगे x + y का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे भी x + y का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, इसके पास नहीं है, तो एलसीएम ले लेंगे x + y का होल स्क्वायर. तो अब जो एलसीएम लेते हैं उसको हर टर्म के पास मल्टीप्लाई करते हैं. तो x + y का होल स्क्वायर सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिए, डिनोमिनेटर में लिख दिए. अब x + y का होल स्क्वायर यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, जो भी आएगा कैलकुलेशन वो न्यूमरेटर रहेगा हमारा. तो यहाँ पे हमने लिख दिया x + y का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x + y का होल स्क्वायर, यहाँ लिखे x + y का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो सिर्फ इतना ही आएगा. यहाँ पे भी लिखेंगे x + y का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ ये आएगा. एक बार और रिपीट कर रहे हैं, हमने ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करे है, x + y का होल स्क्वायर एलसीएम लिए है. ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दी डिनोमिनेटर में. अब न्यूमरेटर में क्या कैलकुलेशन आएगा, उसके लिए जो हमने एलसीएम लिए है तीनों टर्म के पास हम लिख देंगे, तो जो भी कैलकुलेशन आएंगे डेट इज द न्यूमरेटर कैलकुलेशन. यहाँ x + y का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखिए x + y का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी इमेजिन करिए x + y का होल स्क्वायर. यहाँ और यहाँ का इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो ये दोनों ही बच रहा है, यहाँ का कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो वो एज इट इज है बेटा, ये आप देख सकते हैं. आप उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसका एक्सपांशन है x² + 2xy + y²
यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तीनों टर्म हो गया। यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन किया गया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो भी कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हैं, ये प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर। अब बच रहा क्या है बेटा वो देखिए आप, वाई स्क्वायर है माइनस टू एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बच रहा है। इसका एक्सपांशन फॉर्मूला होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ सी फ्रॉम रोमन वन एंड टू राइट हैंड साइड कैलकुलेशन आर सेम, सो वी कैन राइट द लेफ्ट हैंड साइड आर ऑल्सो सेम। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये आप कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़ा सिंपल है वो। सबसे पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, एक सेकेंड, ये पीछे पेज का वो कंटिन्यूशन में है, ये आपको कॉपी करना है, यहाँ तक पूरा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे अभी एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ये आपको कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें z की बजाय u वेरिएबल यूज किया गया है। तो यहाँ पे u ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, शो डेट डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स वन माइनस डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। जहां जहां जेड है वहां वहां यू भी आ सकते हैं। तो इन डेट सिचुएशन x और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम जो दूसरा क्वेश्चन ले रहे थे वो लेंगे आपके। दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन रीड दिस। If u is equal to x square y plus y square z plus z square x, you have to show that this del u by del x plus del u by del y plus del u by del z is equal to this, ठीक है। यहाँ पे ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा, शो कि x, y, z तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो गिवन एक्सप्रेशन को हमने लिखे हैं, आप देख रहे होंगे। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन तीनों डिफरेंशियल कोफिशियंट फाइंड आउट करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड। तो डेल यू बाय डेल एक्स के लिए इक्वेशन वन को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन वन को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और इसके लिए डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो चलिए वन को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसा करेंगे देखते हैं। डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई और जेड आपका कॉन्स्टेंट है। तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो गया, वाई इज जस्ट लाइक द कॉन्स्टेंट, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, ठीक है, वो नहीं लिखेंगे हम। z स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट और x का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज वन, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन नंबर टू। चलिए अभी डेल यू बाय डेल y देखिए आप, x स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, y का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज वन, तो x स्क्वायर आ गया, प्लस यहां y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं इसलिए z और x कॉन्स्टेंट है बेटा, टू वाई इंटू जेड, और ये दोनों ही कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ये आपका एक एक्सप्रेशन बन गया। अब डेल यू बाय डेल जेड देखते हैं, ठीक, ये कांस्टेंट एक्स और वाई यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, जब जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक्स और वाई कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो जो कि हम लोग नहीं लिखेंगे, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव वन, तो वाई स्क्वायर इंटू वन, और यहाँ पे जेड स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव होगा टू जेड इंटू एक्स, तो टू एक्स जेड लिखा गया है, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दिस वील एड दिस थ्री एक्सप्रेशन, टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो आप देख रहे हैं टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे हम लोग, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। चलिए अब राइट हैंड साइड को ये दोनों टर्म लिखे हमने, उसके बाद ये दोनों टर्म लिखे ऐड करने पे, और फिर ये दोनों टर्म लिखे, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सीक्वेंस में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड एंड प्लस टू एक्स जेड। ये जो है बेटा, दिस वन इज द एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का एक्सपांशन है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसको भी कॉपी कर लीजिए, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ टुडे विल स्टॉप हियर, बाय।